Now today's topic is modern periodic law and modern periodic table. A very important question is chapter के लिए. सबसे पहले मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव ने एटॉमिक मास को बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन माना था. इसको हेनरी मोस्ली ने, एक साइंटिस्ट था हेनरी मोस्ली, १९१२ में इसने क्या किया, इसने देखा एक रिलेशन इसने देख ली. अंडर रूट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, एक रिलेशन है ए इंटू जेड माइनस बी, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, याद रहे. उसने कहा जो फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय एलिमेंट्स, रेडिएशन इमिटेड बाय एलिमेंट्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है जो है, इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर. इस रिलेशन के बेस पर हेनरी मोस्ली ने ये कंक्लूड किया कि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, बिकॉज रेडिएशन इमिटेड बाय एलिमेंट्स, सो फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी. तो हेनरी मोस्ली ने यह कंक्लूड किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर, अनलाइक मेंडलीव. मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक मास पर डिपेंड है, उसने ला ही दिया था. हमने कल कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. हेनरी मोस्ली ने कहा नहीं, ये गलत है, properties are dependent on atomic number, so classification of elements should be based on atomic number and not on atomic mass, right? तो उस वो relation कौन सी है, root of nu, root of frequency equal to a into z minus b, a and b are constants, z is atomic number, so frequency is dependent on atomic number, or in other words we can say properties of elements are dependent on atomic number of elements, right? So इसलिए अगर question कभी आएगा कौन सी ऐसी property थी, कौन सा ऐसा we can say why atomic number is regarded as the basis for classification of elements, तो उसका answer यही है, correct? अब ये था पहला question, atomic number को हम क्यों basis for classification माना, और इसी चीज को हेनरी मोस्ली ने इसी के बेस पर लॉ दे दिया, दैट इज अ मॉडर्न पीरियडिक लॉ. एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स, मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहता है कि सेम डेफिनेशन, लेकिन इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास वी हैव टू राइट एटॉमिक नंबर, राइट? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज डायरेक्ट लिख सकते हो. फिजिकल एंड, जो हमने कल किया था, सेम डेफिनेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आर द पीरियडिक फंक्शन or the periodic function of their atomic numbers. ये atomic number का concept important है. उसका क्या मतलब है? कल जैसे किया था हमने periodic, what do you mean by periodic function? कल भी कहा था मैंने repeating after certain intervals, properties of elements are repeated certain intervals, but those properties are based on atomic number. इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं elements को arrange करूँ like this, hydrogen, दूसरे element के बाद तीसरे element की property repeat हो जाती है, periodic function. फिर और आठ elements है, तो हम बताएंगे अभी, फिर यहाँ neon आएगा,
एंड नेक्स्ट एलिमेंट जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती है, देयरफॉर रिपीटेशन टेक्स प्लेस. पहले कितने के बाद रिपीटेशन हो रहा है, दो एलिमेंट्स के बाद, फिर कितने के बाद हो रहा है रिपीटेशन, आठ के बाद, फिर एलिमेंट्स हम लिखेंगे और यहां पर आएगा आर्गन, फिर आठ एलिमेंट्स के बाद रिपीटेशन हो रहा है, राइट. दीज आर फिक्स्ड, तभी हमने कहा था पीरियडिक फंक्शन. आर्गन के बाद यहां पर हम लिखेंगे फिर पोटेशियम, फिर 18 एलिमेंट्स के बाद यहां पर आएगा क्रिप्टॉन. ठीक है, सो यहां रिपीटेशन हुआ 18 एलिमेंट्स के बाद पीरियोडिकली आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज का मतलब आर्गन के बाद पोटेशियम, बट इट्स प्रॉपर्टी रिजेंबल सोडियम, इसलिए सोडियम के नीचे रिपीटेशन हो रहा है. यही है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. इसका क्या मतलब हुआ, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स. नाउ हियर एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, increasing order of this important word atomic numbers. The elements having similar properties. Elements having similar properties are repeated. Are repeated after regular intervals. Are repeated after regular intervals. अब वो regular इसी का मतलब हो गया कि अब वो intervals क्या है, पहले दो, फिर eight, फिर eight, या आपको याद रखना फिर 18, फिर 18, फिर 32. इनको मैजिक नंबर्स बोलते हैं. अगर ये आपको पता है, आपको पीरियड टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज समझ आ जाएगी. सो दिस इज, अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मॉडर्न पीरियडिक लॉ, तो पहले आप लॉ लिखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, फिर लिखेंगे व्हाट इज मीन, इट मींस व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स. The elements having similar properties are repeated after regular intervals. These regular intervals are 2, 8, 8, 18, 18, 32 and are known as magic numbers. Right? This is simple yaad rakhna atomic number. Maine yahan par incorporate kiya aur Mendeleev's periodic law mein last time humne kiya tha atomic mass. Now, what are the features of modern periodic table? देखो बेटा, पहली बात ये कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो बनाया गया इसी लॉ के बेस पर. लॉ क्या है कि एटॉमिक नंबर्स के बेस पर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स अरेंज कर लीजिए एलिमेंट्स, तो एक टेबल बन गया. तो हमें उस टेबल की प्रॉपर्टीज फीचर्स बताने हैं, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट, क्योंकि ये टेबल 11th 12th में करना ही करना है आपको लर्न, तभी तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, आधा 11th में आधा 12th में. अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा आइडिया. देख लीजिए बेटा, सबसे पहले हाइड्रोजन होता है यहाँ पर इस कॉर्नर में, थोड़ा सा नीचे करते हैं, हाइड्रोजन, राइट. और इस कॉर्नर में मैं लिखूंगा यहाँ पर हीलियम, ठीक है. फिर यहां पर मैं लिखता हूं लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ज्यादा हो गया नीचे, वेट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम.
ये पहला ग्रुप एलिमेंट्स है। जब तक आपको ये टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चन अगला वाला नहीं कर सकते हैं, राइट। मैं अलग अलग, चलो एक ही इंक से या अलग इंक से बना देते हैं। फिर यहाँ पर बेरिलियम, इससे आइडिया भी आएगा, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, करेक्ट। फिर मैं इसमें जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस है, इसी ऑर्डर में आपको, क्योंकि अल्टीमेटली याद भी रखना है। कैल्शियम के बाद यहां होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, करेक्ट, 10 एलिमेंट्स। फिर इसके नीचे होता है यहां पर, मैं डेलिबरेटली लिख रहा हूं ये एक ही कलर में क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज दिखाने की कोशिश करूंगा, इनकी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। येट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्निशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। फिर इसके नीचे नेक्स्ट लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। इनको इसी जिस सीरीज में मैंने लिखा ऐसे इसको लर्न करना है। पहला और सेकंड मैंने वर्टिकली लिखा, उनको वैसे याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे पता चलेगा आपको। फिर यहां पर एक्टिनियम है नीचे, जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा रब ऐसे। यहां पर एक्टिनियम देखो बेटा, लैंथेनम के बाद लैंथेनाइड्स होते हैं और एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। रुथरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सीबोर्जियम, बोहोरियम, हैसनियम, मीटनेरियम, डार्मस्टेडियम, ठीक है ना, इसको अब रोंजेनियम एटसेट्रा, इसको रहने दो अभी। अब ध्यान सुनो, अब राइट साइड में जाऊंगा, बेरिलियम के बिल्कुल सीध में यहां पर आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट इट इज बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट। फिर बोरान के बाद होता है कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, राइट। इसके बाद फिर होता नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके बाद फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। फिर है नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनको वर्टिकली याद करना है। फिर इसके बाद है नियॉन, इसको अलग से दिखाते हैं, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। नियॉन के ऊपर हीलियम भी होता है, देखो। और यहां पर जो लैंथेनम जो मैंने लिखा, नीचे लैंथेनॉइड्स होते हैं 14 एलिमेंट्स और उसके नीचे एक्टिनॉइड्स होते हैं, जहां लैंथेनम है और हैफनियम के बीच में लैंथेनाइड्स 14 को अलग लिखते हैं और एक्टिनियम और रुथरफोर्डियम के बीच में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। सीरियम से लेके सीरियम, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहां लिखेंगे हम, ठीक है ना। सीरियम, प्रोसोमिडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम,
ठीक है ना, समारियम, यूरेपियम, गडोलोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होमियम, इरबियम, थूलियम, यट्रबियम, लुटेशियम। 14 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रमत। यस, ये होते हैं लेंथनम के बाद एलिमेंट्स। फिर मैं लेता हूं एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स जो है उनके बारे में बता देते हैं। एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट होता है देखो, एक्टिनियम 89, 90 होता है थोरियम, प्रोटो एक्टिनियम, देन यूरेनियम, देन नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, सी एम क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइनस्टाइनियम, हर्मियम, मंडलीवियम, नोबेलियम और बोल लॉरेंशियम। ये पूरे एलिमेंट जो अभी तक हमारे पास है उनके बारे में मैंने बता दिया, जस्ट एन इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे इन इनको हम इन एलिमेंट्स को मैं अब बताता हूं। पहला इस टेबल, अगर ये टेबल आप याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जितने आप अभी याद कर सकते हो उतना याद कर लीजिए इसी ऑर्डर में, मगर जिस ऑर्डर में मैंने लिख लिया है। अगर कोई वर्टिकली लिखा है, मैंने एक कलर्स का मतलब वर्टिकली याद करना है, अगर हॉरिजॉन्ट लिखा तो हॉरिजॉन्टली याद कर लीजिए आप। देखो बेटा, सबसे पहले मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, जो इसके ग्रुप्स है। सपोज ये पहला ग्रुप है, पहला वर्टिकल कॉलम है। अब आप गिन लीजिए कितने वर्टिकल कॉलम्स इसमें है, गिन लीजिए। यही है मॉडर्न पीरा टेबल का पहला फीचर, कितने वर्टिकल कॉलम्स है जरा गिन लीजिए। शाबाश, गिन लीजिए, गिन लीजिए। शाबाश 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 शाबाश, 18 वर्टिकल कॉलम। सो पहला फीचर बताया, मॉडर्न पीरा टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स है, 18 वर्टिकल कॉलम्स। और सिंपल, उनमें लिखने का तरीका जो है 1 to 18, 1, 2, सिंपल ऐसे, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल 7, 8, इजी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। सो पहला फीचर अगर मैं इसमें लिखूं, There are 18 vertical columns present in the modern periodic table, which are known as groups. Already हमें पता है, groups 18 है, correct? देखो बेटा, पहला ग्रुप जो है, ग्रुप फर्स्ट, ध्यान से देख लीजिए, जिसमें हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हाइड्रोजन के पोजीशन वैसे एनोमलस है ही है। तो ग्रुप जो पहला ग्रुप है, याद रहे, ये आपको याद रखना है, इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के अल्कली मेटल्स। ये अल्कलाइन होते हैं, अल्कली बनाते हैं। अगर इन मेटल्स को पानी डालेंगे अल्कलीज बनाते हैं, NaOH, KO, KOH, LiOH, RbOH, CsOH, अल्कलीज बनाते हैं इनको, इसलिए अल्कली मेटल्स बोलते हैं, राइट? अब ग्रुप सेकंड को देख लो ध्यान से। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को जब एक्सट्रैक्ट किया गया, ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं सारे एलिमेंट्स। अर्थ में इनके ऑक्साइड्स होते हैं, उनसे इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। है ये भी अल्कलाइन, इसलिए ग्रुप सेकंड को हम बोलेंगे, जो ग्रुप सेकंड है इसको अल्कलाइन, ये भी है फर्स्ट, लेकिन अर्थ से निकाले गए हैं, तो इसलिए इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप सेकंड को कहते हैं, करेक्ट? सो पहले ग्रुप का नाम क्या है, अल्कली मेटल्स, और दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यही आपको याद रखना है। अब देखो बेटा, तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन का मतलब बीच में। इनकी प्रॉपर्टी बीच में होती है, फर्स्ट टू के एलिमेंट्स और 13 से 18 एलिमेंट्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज होती है।
फर्स्ट एंड सेकंड अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनको एस ब्लॉक बोलते हैं, 13 to 18 वाले को बोलते हैं पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक के बीच में इन एलिमेंट्स को कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सिंस दे आर मेटल्स, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। सो मैं लिखूं यहां पर फिर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक इनको क्या बोलेंगे हम, शाबाश, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड एंड 13 टू 18 के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज होती है। 13 ग्रुप को आप ध्यान से देख लीजिए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनका जो पहला एलिमेंट है उसके नाम पर है, इसको बोरान की फैमिली बोलते हैं। 14 को कार्बन की फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन, 15 को नाइट्रोजन की फैमिली बोलते हैं। सो ग्रुप 13 को क्या बोलेंगे हम, बोरान फैमिली। 14 ग्रुप को क्या बोलेंगे, कार्बन की फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 15 ग्रुप को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन की फैमिली है ये, बिकॉज ये नाइट्रोजन इनमें हेड है, पहला एलिमेंट है, इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। 16 ग्रुप पर आ गई, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली हम बोलेंगे, करेक्ट। लेकिन ये ऑफ कर लो, क्वेश्चन वीडियो ऑफ कर लो अभी। 16 ग्रुप को क्या है, 16 ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम, इनको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं या इनके लिए अलग नाम है, इनको बोलते हैं कैल्कोजेंस। याद रहे, कैल्कोजेंस का मतलब होता है बेटा ओर फॉर्मिंग, जो ओर्स बनाते हैं। आपने देखा होगा क्लास टेंथ में भी बहुत सारे ओर्स होते हैं। जरा आयरन की ओर क्या होती है, कोई बता सकता है आयरन की ओर को क्या कहते हैं? शाबाश सर, बॉक्साइट। ना, बॉक्साइट होती है Al2O3 एल्युमिनियम की ओर, वो भी ठीक है, एल्युमिनियम की ओर को बॉक्साइट बोलते हैं, आयरन की ओर को हेमेटाइट बोलते हैं, Fe2O3। अब अगर हम, चलो इन्हीं दो ओर्स को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। एल्युमिनियम की ओर जो मैंने अभी बताया, बॉक्साइट, Al2O3, 2 times वाटर, उसको रहने दो। Fe2O3, ये जो पहली बॉक्साइट ओर है, दूसरी है हेमेटाइट ओर, इनमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से बनी है ना। और चलो मैं लेता हूँ कोई और ओर है, सपोज जिंक की ओर, उसको जेडन एस बोलते हैं, तो सल्फर इसके साथ है, तो मैक्सिमम ओर्स या ऑक्साइड होती है या सल्फाइड होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस मींस ओर फॉर्मिंग, क्योंकि इस ग्रुप में ऑक्सीजन भी है, इस ग्रुप में सल्फर भी है, राइट। ऑक्सीजन और सल्फर बनाते हैं ओर्स, इसलिए इस ग्रुप को हमने क्या कहा, कैल्कोजेंस, दे आर ओर फॉर्मिंग इन नेचर। 7 फिर 17 ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये साल्ट्स होते हैं, NaCl, KCl, NaBr, NaI, KLi, ये सारे के सारे साल्ट फॉर्मिंग होते हैं। तो 17 ग्रुप चूंकि साल्ट फॉर्मिंग को हेलोजन्स बोलते हैं, हेलोजन मीन साल्ट फॉर्मिंग, सो इसलिए इसको हेलोजन्स भी बोलते हैं। फिर बचा 18th ग्रुप, 18th ग्रुप जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव नेचर, इनमें कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये मैं आगे बताऊंगा अभी, इनमें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इनको नोबल गैस, बड़े शरीफ है ये, लेस रिएक्टिव है, इसलिए इनको नोबल गैस बोलते हैं। सो पहली जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी, फीचर बताया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, कि मॉडर्न पीरियड टेबल इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। फिर इसी के नीचे लिखेंगे, ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 जो है इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल्स, ग्रुप 13 जो है बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 कैल्कोजन, 17 हेलोजन, 18 नोबल गैसेस, राइट। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट दूसरा फीचर का, तीन ही फीचर है टोटल मॉडर्न पीरियड टेबल के, ये पहला हमने किया एक्सप्लेन। अब दूसरा फीचर है, आप देख लेंगे, ध्यान से देख लो इसमें, कि इसमें अगर हम देखें कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, पहला ये जो छोटा ये, फिर दूसरा, फिर यहां से तीसरा, देख लो, दूसरा ये हो गया,
तो यहां से तीसरा हो गया रो। फिर फोर्थ, हॉरिजॉन्टल रोज देख लो कितने स्टेबल में है, बताए कितने रोज है, सेवन रोज। तो ये दूसरा हो गया, इसका दूसरा फीचर हो गया कि सेकंड फीचर वो तो फर्स्ट था, अब सेकंड फीचर हमने ले लिया कि इसमें सेवन हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, याद रखना है, और इन सेवन हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स, करेक्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पीरियड्स, करेक्ट। अब इन सात को देख लो ध्यान से, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है जरा देख लो, शाबाश, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, टू, दो, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ मैं इसको बताऊंगा कि जो फर्स्ट पीरियड है, हमारे पास सात पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, फिर मैं लिखूंगा सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, ऐसे सात पीरियड है हमारे पास। तो इनमें हमने देखना है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, फर्स्ट पीरियड में हमने लिखा कितने एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स, सबसे छोटा पीरियड यही है और ये एग्जाम में आता भी है, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। अगर आपको क्वेश्चन आएगा शॉर्टेस्ट पीरियड बताओ पीरियोडिक टेबल में, तो कौन सा है, फर्स्ट पीरियड इज नोन एज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब जरा दूसरे को देख लो कितने एलिमेंट्स है, गिन लीजिए, शाबाश, एट, एट, और तीसरे को एट, एट। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं, सेकंड और थर्ड में आठ एलिमेंट्स ईच है, इसमें भी आठ एलिमेंट्स है, इसमें भी आठ, बाद में पता चलेगा कहां से कहां, ठीक है, अभी आपको कहने की जरूरत नहीं। वैसे दूसरा अगर मैं देखूंगा लिथियम से लेके नियॉन तक, तीसरा सोडियम से लेके आर्गन तक, तो आठ आठ एलिमेंट्स है। इन दोनों को बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड्स, शॉर्टेस्ट तो नहीं है लेकिन शॉर्ट पीरियड्स है। तो पीरियड सेकंड और थर्ड को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। अब हम जाएंगे फोर्थ पीरियड की ओर, फोर्थ पीरियड में अगर हम एलिमेंट्स गिनेंगे तो 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि 10 और ऐड हो रहे हैं उनमें, गिन लो, फोर्थ में भी 18 और फिफ्थ में भी 18, तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में 18 एलिमेंट्स ईच है, 18 18 एलिमेंट्स है दोनों में, 18 18 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो इसको, इनको दोनों को बोलते हैं हम लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि बड़े पीरियड है, 18 एलिमेंट्स इसमें हैं, तो वी कॉल देम लॉन्ग पीरियड्स। सो पहला जो पीरियड है शॉर्टेस्ट, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग पीरियड है। अब जाएंगे सिक्स की ओर, सिक्स पीरियड में तो 18 तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ये लेंथ हम स्टार मैंने डाला था, ध्यान से देख लो, मैं इसको थोड़ा सा एनसर्कल करता हूं समझने के लिए, यहां से इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स है, जो मैंने नीचे लिखे हैं लेंथेनॉइड जिनको मैंने कहा। अगर मैं इन एलिमेंट्स को भी यहाँ पर और 14 ग्रुप्स बनाने पड़ते तो पीरियडिक टेबल में नहीं बना सकता था यहाँ पर। सो इसीलिए इन एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है, एक तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है और एक्सपेंशन ऑफ पीरियडिक टेबल को बढ़ाने से बचाने के लिए हमने इनको नीचे लिखा है। तो कितने एलिमेंट्स है ये, 14 एलिमेंट्स, तो एड टोटल एलिमेंट्स अब कितने आएंगे, अपने तो 18 है और ये 14 भी इसी के हैं, तो इसमें 32 एलिमेंट्स है। तो इसलिए सबसे बड़ा पीरियड अगर माना जाएगा 32 एलिमेंट्स, तो वो कौन सा है, वो सिक्स पीरियड है। और ये याद रखना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ा सिक्स पीरियड और सबसे छोटा फर्स्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, यही माना जाता है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट वाले में भी जाएंगे, इसमें भी ये भी अब अभी कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये भी लगभग कंप्लीट है, तो इसमें भी एलिमेंट्स है, जैसे इसका 90 है, इसका 103 एटॉमिक नंबर है, इसका 4 है 104, इसका 105 है, 106 है, 107 है, 108 है, 109 है, 110 है, 111 है, 112 होता है, अननबियम, अनअनट्रियम, ये भी आगे बता दूंगा, अननकॉडियम, अननपेंटियम, अननहेक्सियम, अननसेप्टियम, अननऑक्टियम। तो ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है,
इनका अभी आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बीच बीच में वैसे हुआ है लेकिन सबका तो नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड ही अभी मानते हैं। सेवंथ पीरियड इज द इनकम्प्लीट पीरियड, ये है इनकम्प्लीट, हम अभी लिखेंगे इसको। ये था सेकंड फीचर मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। देयर आर सेवन हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल विच आर नोन एज पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट्स, देयरफॉर इट्स द शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स दे कंटेन एट एलिमेंट्स ईच, दे आर नोन एज शॉर्ट पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ contain 18 elements each, they are known as long periods. Sixth period contains 32 elements, 18 plus 14 length nights, it is the longest period, it contains 32 elements, longest period is 6. Seventh period is an incomplete period because all elements are not discovered yet, matlab IUPAC official names have not been given to all elements yet. To ye tha second, aur last feature iska jo hai third and last feature, यही कि आप इस पीरियड टेबल में देख रहे हैं ना, लेंथ नाइट्स एक्टोनाइट्स इनको कहां रखा हमने, बॉटम पर। 14 एलिमेंट्स ईच, दे आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन ऑर्डर टू अवॉइड साइडवाइज एक्सपेंशन। ये भी एक फीचर है लेंथ नाइट्स और एक्टोनाइट्स का। लेंथ नाइट्स एंड एक्टोनाइट्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। Why they are placed at the bottom? In order to avoid sidewise expansion of modern periodic table, right? इस टेबल को हमने बार बार देखना है, इसकी तरफ देख के। अभी अगर याद नहीं होगा no problem, कम से कम देख के आपको features का पता चलेगा। So you have to draw this table also, अपने notebooks पर इसको आपको बनाना पड़ेगा, right?